ओम शांति। बाम दादा मधुवन 2/10/2024। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न: संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध पवित्र बना सकते हो? उत्तर: याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बना हुआ पवित्र भोजन, ब्रह्मा भोजन, देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिनको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता, वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है। आत्माओं को पढ़ाते हैं। आज के मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। दूसरी पॉइंट: यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है, आत्मा कैसे भिन्न भिन्न राम नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। सबसे बोलो भाइयों और बहनों, आकर सुनो, ऐसा भाषण कोई तो कर ना सके। तीसरी पॉइंट: यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है? गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। चौथी पॉइंट: बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। पांचवी पॉइंट: अभी तुम बच्चे समझते हो, 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री जाफरी रिपीट होती है। छठवीं पॉइंट: तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर शतो प्रधान देवी देवता बनते हैं। छठवीं पॉइंट: तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाता है, यह भी ड्रामा है। सातवीं पॉइंट: तुम बच्चों को कभी भी कोई फिकरात नहीं होनी चाहिए, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना है। आठवीं पॉइंट: आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है, अब फिर आत्मा को शतो प्रधान बनना है, पावन तो जरूर बनना है। नवी पॉइंट: बाप बैठ समझाते हैं, राम व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता, उनकी भी कलाएं कम होती हैं। दसवीं पॉइंट: तो बाप इतनी बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ, यहाँ तो दुख धाम है, बाप को और वर्षे को याद करो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य 4। पहली पॉइंट: किसी भी बात की फिकरात नहीं करनी है, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, सभी एक्टर्स इसमें अपना पार्ट बजा रहे हैं। दूसरी पॉइंट: जीवन मुक्त पद पाने व सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं, भोजन बनाते व खाते समय बाप की याद में जरूर रहना। वरदान आज बाप ने दिया, स्वार्थ ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। स्पष्टीकरण: कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए संकल्प को ऑफर करो,
लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रख कर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो आफर करो क्यों क्या में नहीं आओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक एक साथ ही आते हैं। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है, अब इससे भी मुक्त बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, शांति दूत बन सबको शांति देना, यही आपका यूक्यूपेशन है। ओम शांति।